में एक बार फिर सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। यहाँ ब्यूटी पार्लर की आड़ में सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था, जिसकी सूचना पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया, जहां से विदेश और अन्य राज्यों की युवतियों को हिरासत में लेकर मुख्य सरगना जावेद को गिरफ्तार किया। वहीं मुख्य सरगना की पत्नी फरार हो गई है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। सेक्स रैकेट के नेटवर्क का खुलासा, मुख्य सरगना जावेद को किया गिरफ्तार, आरोपी की पत्नी मौके से हुई फरार, विदेशों और अन्य राज्यों तक फैला नेटवर्क। नौर की तेजाजी नगर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि लिम्बोदी ग्राम इलाके के रानीबाग कॉलोनी में रहने वाले एक फ्लैट में अनैतिक कार्य किए जा रहे हैं। मुखबिर की सूचना के बाद पुलिस ने टीम गठित कर दबिश देकर मौके से विदेशी युवतियां और मुख्य सरगना जावेद को गिरफ्तार किया है। जहां ब्यूटी पार्लर की आड़ में सेक्स रैकेट चलाकर अनैतिक कार्य किया जा रहा था, पुलिस ने मौके से शराब और अन्य सामग्री भी बरामद की है। बताया जा रहा है कि जावेद और उसकी पत्नी सेक्स रैकेट के मुख्य सरगना हैं और विदेशों और अन्य राज्यों से युवतियों को कॉन्ट्रैक्ट बेस में लाकर यहां अनैतिक कार्य करवाया जाता था। पुलिस ने मुख्य सरगना जावेद को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उसकी पत्नी मौके से फरार हो गई, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। ये तेजाजी नगर थाना के अंतर्गत लिम्बोदी में न्यू रानीबाग है। यहाँ पर जाहिद खान नाम का व्यक्ति है, वो और उसकी पत्नी ब्यूटी पार्लर चलाती है और जाहिद खान मुख्यतः लड़कियों की सप्लाई का काम करता है। इसके घर पर यहाँ से 3 लड़कियाँ अभी मिली है, जिसमें एक लड़की उज्बेकिस्तान की रहने वाली, उसका पासपोर्ट भी मिला है, और एक लड़की दिल्ली की है, और कुछ लोकल्स लड़कियाँ भी इसके संपर्क में रहती है। ब्यूटी पार्लर इसलिए केवल ताकि यहाँ से किसी को मालूम न पड़े आस पड़ोसी को, इसलिए ब्यूटी पार्लर भी खोल रखा है। वहाँ से मेकअप वगैरह करने के बाद ये लोग आगे इनको भेज देते थे आसपास के ज़िलों में, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर। लड़की जो है, चूँकि ये जाहिद इस काम में माहिर है, ये लगभग 8-10 सालों से ये काम करता आ रहा है, तो इसके संपर्क में जो लड़कियाँ आती हैं, उन लड़कियों के माध्यम से वो लड़की इसके संपर्क में, जाहिद के संपर्क में आई, इसलिए इसने यहाँ बुलाया इसको। ये इसके घर में भी इसका काम संचालित होता था, और चूँकि आसपास धामनोद और जो हाईवेस्ट के होटल्स वगैरह हैं, यहाँ पर भी पूछताछ करने पर जानकारी मिली है, और अब ये जांच का विषय है कहाँ कहाँ पर ये। पत्नी को भी इसमें आरोपी इसलिए बनाना पड़ेगा क्योंकि सहभागी है, साथ में ही काम करते थे, उनको सही जानकारी समझ दोनों को है। सेक्स रैकेट के मुख्य सरगना जावेद पर पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है। वहीं अब पुलिस पूरे नेटवर्क का खुलासा करने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।